हरियाणा के शेयर मीडिया चैनल देखने वाले भाई प्रीतम नागरिकी राम राम। तो भाई फिर हम पीपली गांव तो जुड़ गए हैं। तो भाई एक जो गरीब कल्याण संस्था जो हमारे अंकल जी ने भाई शुरू करी है, हमारे दमल फौजी अंकल जी है, भाई देवेंद्र अंकल जी हैं और अश्विनी जी और भाई साहब एक बार फलर जी, तो बहुत ही बढ़िया मतलब काम करे यार भाई। इन इनका दिमाग था भाई सब तक पहला शुरुआत अब भाई हम पीपली गांव तो ही करेंगे, हम बाहर भी तक किसी की मदद करें तो अपने गांव में सब तक पहला मदद भाई इस घर में भेजी जा। तो भाई इन बहुत बढ़िया काम कराया है और तो जो एक महीने दो महीने का राशन हुआ है वो भाई लेकर आए हैं और भाई मदद करेंगे भाई, जो भी जिस भी मदद होगी तो भाई बात करेंगे। एक्सीडेंट में एक्सीडेंट हो गया था, एक्सीडेंट में बेचारा ये मैं एक दिन इधर से ही गुजर रहा था, मैंने देखा ये खाट पे बैठा हुआ है, ये मिसिज है इनकी बेचारी, ये दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं प्रीतम भाई, बिल्कुल बिल्कुल, और बच्चे सहने हो रहे हैं, नौकरी पेशे पे है नहीं, पढ़ाई का खर्चा भी ज्यादा है, ऊपर से ये चल नहीं पा रहे अभी तक ठीक नहीं, प्लस में क्या है एक्सीडेंट जिसने किया गांव का आदमी था, इन्ना शर्म है ना, तो कोई उन पर कोई वो क्लेम डाल लिया बिल्कुल जी, ना कोई पुलिस कंप्लेंट करी, तो ये बेचारे अपने गरीब आदमी हैं डर के मारे, किसी शर्म के लोक लाज के मारे, गांव में किसी का दबाव के मारे, ने कोई कंप्लेंट नहीं करी, तो मेरे ख्याल से इनका 10-20 हज़ार रुपये कर्जा भी चढ़ गया हुआ बेचारा का, क्योंकि लास्ट टोटली तकरीबन अपने दोहरे तक करा है। तो मैं बंटी के पास आया था एक दिन, बोली मैं कम जानू था, बोली देवेंद्र भूल के भाई, मगा भाई बताओ क्या बात है, कोई देखो इन्होंने सुन रखा था मैं एक लड़की की शादी में आड़े थोड़ी मदद सी करी थी मैंने, तो इन्होंने देखा था भाई ये गांव में मदद करें बगैर निस्वार्थ सेवा के, तो मैंने एक लड़की की शादी ओटी थी, लेकिन उन आदमियों ने मना कर दिया था भाई, कुछ आदमी ऐसे भी होते हैं जो मना कर देते हैं, तो फिर हमने भाई माँ ठीक है बड़ी मदद नहीं लेनी, तो छोटी हम अपने हिसाब से कर जाएंगे, तो हमने मदद करी थी वहाँ पर, तो इन्होंने आस उम्मीद के साथ भाई कहा था भाई हम दुखी हो रहे हैं ऐसे, अरे भाई हमारा तो कोई नहीं करी बाद में आई, और भाई इतना है हमारे गांव में रहो ना तो फिर हमारा जीना का फायदा है, जब हम 10-20 हज़ार दो सरकारी नौकरी लाग रहे हैं, क्या हम हर महीने 1000-2000 रुपये अपने गरीब आदमी वो भी अपने अपने गांव के उनके लिए नहीं निकाल सकते, बिल्कुल, तो हमारा अंदर से दिल कचोटा है भाई, बात न रहा हमारे होते हुए 10 हज़ार दोस्त मिल का हम 1000-1000 रुपये भी इकट्ठे कर कर दो चार घर में 5-5, 4-4 हज़ार रुपये की मदद कर दें तो क्या कुछ घट जाएगा, कुछ नहीं, तो भाई मेरे हिसाब से तो प्रीतम हमारा मेरा तो कुछ घटा नहीं, बिल्कुल भगवान की दास है ना, मैं तो जितना भी इनका मैं लगभग मेरे ख्याल से 5-7 साल से तो दाऊँ मैं इस तरह के काम कर रहा हूँ, नीचे नीचे कुछ जो जाना है मनो न तो पता है। तो भाई आज भाई की मदद के लिए आए थे, तो एक गरीब कल्याण संस्था ये बनाई है, उसके आप भी खुद मेम्बर हो तो आपने देखा होगा, हम जनवरी से मदद करने हमने पहले आश्वासन दिया था, हम जनवरी से गांव में गरीब आदमी की मदद कर देंगे, लेकिन उससे पहले ही मेरे साथी हैं दमल, ये भी बड़े समाज सेवी हैं, बड़ा नाम है इनका भी, ये रोज ये तो कहीं ना कहीं रोज जाए रहते हैं, इन्होंने पहले ही बोला छोड़ यार है, इन्होंने दिसंबर में ही एक लड़की की शादी होटली गाँव में, हाँ बिल्कुल जी, तो 51 हज़ार रुपये वहाँ इसी संस्था ने उसी महीने में 15 हज़ार रुपये अपने आप लोगों ने भी उसमें दिए, टोटल मिला के 51 हज़ार रुपये वहाँ दिए शादी में, तो लेकिन स्टार्ट यहाँ से करनी थी हमने, लेकिन भाई वो उनका भी है वो था और हमारे आते हुए शुभ काम, तो भाई जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, तो भाई हमारा मकसद एक है भाई मेरे गाँव के पीपली गाँव के गरीब आदमी कोई लाचार है, भूखा है, प्यासा है, खिलाड़ी है, ये खिलाड़ी मैं देखता हूँ वहाँ ये जाते हैं खिलाड़ी, अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो जूते की, मैंने पहले भी कहा था बहुत पहले, मैंने एक बार मेडल लेकर आए थे, मैंने उनको सम्मानित भी करा था 2-3 साल पहले, मैंने उनको उस दिन भी कहा था भाई जूते की लोअर टी शर्ट कोई गरीब बच्चा ना खिलाड़ी है इनके लिए तरस रहा तो भाई बता देना मेरे को, जब तुम अकेला ही था उस टाइम पर आया था, मेरे ख्याल तक बोला उसने मनीष ने बोला था मेरे को, मैं कई बार बच्चों से मिला हूँ उनसे भाई, मेरे तो एक ही तमर है ये बच्चे कहीं कामयाब हो जाएं तो अपने कम से कम अपना गरीब परिवार तो पड़ जाएगा, हमारा कुछ नहीं जाता है, हमारे अगर 10 रुपये सारा लाने से अगर इनके चेहरे पर खुशी आ जाती तो भाई क्या है, तो ये देखो भाई प्रीतम क्या है यार, क्या दिखा दे भाई, मैं कहूँगा भाई चकर देगा, दिखा दे भाई मकान, दिखा दे भाई है चकर दूर लिखा, दिखा दे भाई सारे भाई गरीब आदमी गाँव में, अब भी काफी परिवार ऐसे हैं गरीब है, अगर कुछ ही नहीं है यार उनके पास हम वैसे ही, तो भाई हम पूरा आश्वासन देते हैं, ये गरीब कल्याण संस्था ने बनाई ही गरीबों के लिए है भाई, गांव में हम है ना गरीब आदमी को भूखा नहीं मरने देंगे,
अब ये भाई मर गया मैं तो मेरे पास 10 रुपये नहीं है, मेरे खाने को मन कर रहा है, मैं क्या क्या करूँ यार। तो उसको ये भाई आप पूछ लेना, ये मेरे साथी हो रहे हैं, ये भाई है, कोई बंटी है, जो भी है, ये पल्लर भाई है। अगर अंकल जी का नंबर नहीं पाओ तो मेरा था भाई, मैं उरे नपरे नाड़ता फिरता भी रहा हूँ, कोई भी इस तरीके का गरीब आदमी है मेंबर है। और भाई मैं तो ये कहता हूँ इस संस्था में कम से कम 5-7 पंचायत मेंबर भी है मेरे साथी, ये इन लोगों के घर देखो एक बार जाकर, एक परे ने भी है बेचारी संते का है वो, हाँ मैं वहाँ बैठता था, उनका बेचारा खुद का मकान नहीं है यार, मकान कौन है उनका बेचारा। तो भाई आप फलर भाई पंचायत के मेंबर हो, आप पंचायत से भी कुछ इनके जैसे मकान पास होता, आप भी पंचायत मेंबर हो, तो मेरे साथी को 7-8 तो मेरे साथी पंचायत मेंबर है इसमें जो मेरे हैं खुद के। और भाई चलो वो तो आगे ही बातें हैं, हमारे से जितनी मदद बनेगी प्रीतम, हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, अगर राजनीति से लेना देना होता तो हम इलेक्शन से पहले स्टंट के ठीक, लेकिन ये मुनासिब हमने जब समझा इलेक्शन जाने के बाद ही शुरू करें, ताकि लोग ये ना सोचे तो भाई अपने अपने चक्रा मान रहे हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं इनको इलेक्शन का से कोई मतलब लेना देना नहीं है, इनका मतलब है कि निस्वार्थ गरीब आदमी की सेवा। और ये क्यों नहीं ये सेवा अपने घर से यानी कि अपने गाँव से शुरू करें, अरे मजा तो तब है जब अपने सौपन हो जाए। सही बात है जी, मजा तो तब है जब अपनी नींव अपना गांव सौपन हो जाए। हम बाहर था अंडा यार, वो उनका सोने के बगाते, और मेरे गरीब आदमी गांव में भूखे मर रहे हैं। अगर आवश्यकता होगी, जरूरत होगी, और हमें कहेंगे उसको मिलेगा भाई। अगर ये कोई ये कहेगा ना भाई हमें आवश्यकता है भाई, हम हाथ जोड़ देखो इतने, अगर मना ही कर दे तो हम लाचार हैं भाई। हम कई बार क्या है, हम अपनी मर्जी से ना हालात देख कर, मैं कई बार मैं खुद ये कह लेता मैं ये काम करूँगा भाई, कोई लड़की है भाई मैं लड़की शादी करूँ, मौके पर मना कर देते हैं तो उसमें फिर पता क्या है। एक बार मैंने दो मैसेज, मैंने मैसेज भी कर दिया था, मैं शादी करनी है लड़की, मैंने पूरा कंप्लीट फ़ोटो खींच लिए थे, नाम तो मैं नहीं बताऊँगा, उन्होंने मना कर दिया। तो अगर ऐसी बातें हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसकी मदद करना चाहते हैं जो एक्चुअल में मदद चाहता है। बिल्कुल अगर भाई हमें एक्चुअल में मदद है, मदद चाहिए, और आप हमारे गाँव के हैं, हम गाँव के तो अपने ही तो हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, अरे हम पराया थोड़ी समझे हैं, हम पराया नहीं समझते भाई, हम जहाँ जाते हैं हम अपना घर समझते हैं, हमारे भाई है छोटा है कोई ठीक है, कोई पोता है, कोई भाई है, कोई कुछ है। तो भाई हाँ जी देखो, ये जो संस्था बनाई है ना, ये नहीं है कि ये टेम्परेरी परमानेंट होगी, हम ही ये काम करेंगे। अगर मेरे गांव से या जहाँ तक भी आपकी वीडियो जाती है, हमारी वीडियो जाती है, अगर कोई भी आदमी इसमें जुड़ना चाहे तो हमारे से बात कर सकते हैं। आप ये नहीं कि उसमें क्या बोलते हैं दान करो, ऐसा नहीं है, हमारे साथ वैसे जुड़ सकते हो, हमारे काम को देख सकते हो, क्या कच्चा कर रहा है। अगर आपको लगा कि मैं कुछ सहयोग कर सकता हूँ तो करो, नहीं तो गांव से बाहर से कोई भी साथी हमारे साथ जुड़ सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कोई भी रजिस्टर करवा दिया, हम 20 आदमी ही करेंगे, कोई भी साथी हमारे साथ जुड़ सकता है। इस प्रकार के काम हम यहाँ गाँव में भी करेंगे और गाँव से बाहर से भी करेंगे, भूख से किसी को मरने नहीं देंगे। आपने पहले देखे होंगे हमें डेली ऐसे चलते रहते हैं, जो लाचार वो एक्चुअल में बीमार है, एक्चुअल में उसको ज़रूरत है, उसके पास कुछ भी साधन नहीं है। अभी हम इसके इनके मान लो 2 महीने का राशन लेके आए हैं, 2 महीने का तो हमारे से काम चलेगा, 2 महीने में कुछ ना कुछ इनका भी सेविंग होगा, 1 महीना ये चलाएंगे, 3 महीने निकल गए इनके, 3 महीने पास में फिर हम आ जाएंगे। तो भूख से तो किसी को मरने नहीं देंगे, और जो हमारे साथ जुड़ना चाहे जो गरीब कल्याण संस्था के साथ में, उस सब भाइयों का सबसे पहले तो गांव पीपली के भाइयों का सबका वेलकम है। कोई भी भाई हमारे पास संपर्क कर सकता है, जोड़ लेंगे। ये नहीं आप डोनेशन करो, अगर आपके पास 100 रुपये 200 रुपये इस महीने नहीं है, अगले महीने दे दो, चौथे महीने दे दो, और नहीं दे सकते तो अपने बैठे बैठे अपने हमारे साथ कम से कम भाईचारा जोड़ते रखो, ठीक है। तो आज इस परिवार के राशन लेके आए हो 71,707,100 रुपये नगद खर्चे पानी का, मैंने भाई 7100 रुपये दिए हैं भाई गरीब कल्याण संस्था की ओर से, जूते जो ये कपड़े जूते होते हैं ना, ठंड आ गई है, कपड़े जूते जो भी भाई उनका भाई 7100 रुपये, और जो भाई खाने पीने का राशन है वो भी भाई उपलब्ध करवाया गरीब कल्याण संस्था की ओर से। तो बहुत बढ़िया जी, क्या कहोगे, जो गाँव के आदमी हमारे इतना अच्छा काम कर रहे हैं भाई, पहलू आपसे करी है जी। मेरा तो यही कहना है, भगवान का भला करे, इनकी दृष्टि बड़ा है। बहुत बहुत बढ़िया जी, तो भाई एक बार आ जाओ, एक बार यो सम्मान दिखा दे भाई, यो टोटली सम्मान है। अरे भाई देखो गरीब आदमी के हालात है भाई, पता नहीं क्या करवा दिया करें, ये भाई मकान है, हैं
तो ये दिखा दे भाई, ये भाई ब्रांडेड चीज़ है, ये मना सोचियो भाई ये अपने फ़ायदे के लिए भाई किसा उठा लिया यार भाई दे दिया, सारी ब्रांडेड चीज़ पाएंगी। अरे जो करोड़पति आदमियों के घर में पाते हैं ना राशन, वो राशन यहाँ पे उपलब्ध करवा गरीब कल्याण संस्था की ओर से। तो हमारे असमनी भाई साहब हैं भाई, बहुत ही बढ़िया भाई एंकर भी है, और भाई पिपड़ी गाँव के आन बान से आने तो बात करेंगे। हाँ जी, मतलब क्या दो बोल कहना चाहोगे भाई, ऐसा जब हालात देखते हैं भाई अपने गाँव की। प्रीतम भाई, आप जगह जगह घूमते हैं, आपका YouTube चैनल है, और आप भली बात ही परिचित, गरीबी क्या होती है? गरीबी सबसे बड़ी भूख है। गरीब की सेवा करना भगवान की पूजा करना होता है। अगर किसी गरीब के घर में दिया जला दो, किसी गरीब के घर में रोटी पैदा कर दो, तो वो भगवान की पूजा होगी। और हमारी जो गरीब कल्याण संस्था है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि गांव का कोई भी लाचार, बीमार या असहाय आदमी, अगर वो भूख से मरने के नज़दीक पहुंच रहा है, तो गरीब कल्याण संस्था आपसे वादा, आपको भरोसा और आपको यकीन दिलाती है कि उस गरीब आदमी को हम भूखा नहीं मरने देंगे। गरीब कल्याण संस्था उसके साथ खड़ी होगी। अब हमने दो महीने का राशन इस घर में ला दिया है, 7100 रुपये नगद योगदान किया है इन बच्चों को सर्दी में कपड़े जूते के लिए। तो मेरा तो एक ही निवेदन है सभी साथियों से, जितने भाई सुन रहे हैं, जुड़ो। कोई तन से सहयोग करता है, कोई मन से सहयोग करता है, कोई धन से सहयोग करता है, लेकिन जुड़ना चाहिए, विचारों से जुड़ना चाहिए। जो विचारों से जुड़ेगा वही आगे बढ़ेगा, और गरीब की सेवा, भगवान की पूजा। इसी के साथ आपका धन्यवाद, जय हिंद। तो भाई ये कह देना बोले हम उड़ जाएंगे, गंगा नहा आऊँगे, काउड ले आऊँगे, ये सब भाई देखो बुरा मत ना मानियो, ढोंग मेरे को लगते हैं भाई। फलानी जगह दान कर दिया, इतने लाख रुपये का वो कर दिया, सब तो बड़ा दान है भाई, गरीब दान है, जो भुखता मर लाग रहे हैं। अगर गरीब आदमी भुखता मर जाएगा आदमी, तो मतलब किस जगह नू बताओ। तो भाई अपना बढ़िया तो बढ़िया सेवा करो, और भाई अपने गाँव राम में अपना कहाँ भाई, अपना भाई है भाइयों भी इसे उसमें कमल दे, बहुत बढ़िया काम करे हमारा छोटा भाई भी। मन नहीं भाई, ग्रुप ज्वाइन करा यू, और भाई सारे भाई जुड़ रखिए, बोकल रहे कई जने हैं, सारे जुड़ रखिए। और भाई मैं तो सारे दिनों बोला था हम कति सारे गेला गेल हैं, मतलब जीत भी कहूँगी ना, दिल तक गेल ना कति भाई, आधी रात ने चाहिए तो फोन कर लिया भाई, उठे गेला। और अपनी वो रक्षा दल की टीम भी बना रखी है कि तभी कोई गौ माता हो, किसी का एक्सीडेंट हो रहा हो, 24 घंटे के लिए अपने अपने पास एम्बुलेंस अवेलेबल है। धन्यवाद भाई, तो बहुत बढ़िया लगा। तो भाई हरियाणा के शेयर मीडिया चैनल देखना भाई, प्रीतम नागर की, राम राम।